नगर निगम में तैनात ड्राइवर को नगर आयुक्त तो अवनीश कुमार शर्मा के द्वारा निलंबित किए जाने पर सफाई कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया और गुस्साए कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिसके बाद गुलाबबाड़ी स्थित सफाई गोदाम में सभी वाहन चालक और सफाई कर्मी एकत्रित हुए और हड़ताल जारी रखने की योजना बनाई। मामले की जानकारी सुन महापौर विनोद अग्रवाल सफाई गोदाम में पहुंचे और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से वार्ता की। करीब घंटे भर चली वार्ता और महापौर के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का मन बनाया। हमारे नगर निगम के वाहन से किसी गाड़ी पे टच हो गया था, जिसके कारण उसने कंप्लेंट करी थी, तो उसके लिए नगर आयुक्त ने जांच बैठा दी थी कि भाई इसके पीछे क्या हुआ है। इन लोगों का ड्राइवर का उस वाहन चालक से समझौता हो गया और उसके अंदर उसने अपनी जो शिकायत थी वो वापस ले ली। जब उसने अपनी शिकायत वाहन चालक ने वापस ली तो ड्राइवर का अब जो पनिशमेंट था वो खत्म कर दिया। बस इसी बात को लेकर हड़ताल, वो इनकी शिकायत थी, हड़ताल नहीं थी, शिकायत थी कि भाई हमारे साथ जब समझौता हो गया है तो फिर हमारे को दंडित क्यों किया जा रहा है। बात सही है। दरअसल मामला एक पार्षद के रिश्तेदार की गाड़ी को लेकर गरमाया था। मामला उस बात को लेकर है जब एक पार्षद के रिश्तेदार की गाड़ी नगर निगम की गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी टकराने के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया और ड्राइवर ने नगर आयुक्त को मामले की जानकारी दी तो पार्षद के रिश्तेदार ने भी मामले की जानकारी दी, लेकिन पार्षद ने अपनी शिकायत नगर आयुक्त तक पहुँचाई, जिसके बाद नगर आयुक्त ने गाड़ी चालक को निलंबित कर दिया। ड्यूटी पे से बेचारा गाड़ी की देख रेख करने का जिम्मेदारी होती जिस वाहन पर वो चलता है, उस वाहन में हवा कम थी और वो हवा भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर गया। वहां पीछे से कोई कार गाड़ी आती है प्राइवेट गाड़ी आने पर उसमें कुछ थोड़ी 19-20 की भरम हो गई, जबकि कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। मोहतरम पार्षद जी श्री गुलजी की लोकेशन में था, जिसकी गाड़ी से प्राइवेटी से थोड़ी सी टच हुई। मोहतरम जी श्री गुलजी ने नगर आयुक्त को फोन करके हमारे बेचारे बेकसूर वाहन चालक को निलंबित कर। हड़ताल कर रहे लोगों का कहना है कि कर्मचारी की बात सुने बिना ही उसे निलंबित कर देना तानाशाही की निशानी है, जिसे कर्मचारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर साहब से मेरा यह अनुरोध था, हम रात करने गए थे, सफाई कार्य में उसकी लापरवाही थी, ड्यूटी कार्य में उसकी क्या लापरवाही थी, क्या उसने कहीं का काम छोड़ा था, कोई जनता की शिकायत थी, आप उसे बर्खास्त कर दीजिएगा, सच में क्या कर रहे हैं आप। लेकिन किसी प्राइवेट गाड़ी के अंदर किसी पार्षद के लोकेशन में किसी व्यक्ति की गाड़ी से टच होने पर आप तुरंत ही निलंबित करोगे, सिर्फ एक प्राइवेट गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और वो पार्षद महोदय की कोई मामलेदारी थी उस गाड़ी से। उस बात को ना सुन करके नगर उप महोदय ने हम 6-7 ड्राइवर थे हमारे साथ में और तुरंत कह दिया जाइए निकलिए आप बाहर। गुलाबबाड़ी गोदाम पर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों के नेता ओमीलाल वाल्मीकि ने महापौर और नगर आयुक्त के साथ वार्ता की और निलंबित कर्मचारी को बहाल कराने के बाद हड़ताल समाप्त कर दी। नगर आयुक्त का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को समझाया गया है और हड़ताल समाप्त करा दी गई है।